आज की नशिस्त में हम बात करेंगे जहाज़रान क्रिस्टोफर कोलंबस की, जो जहाज़रान से ज़्यादा मज़हब ईसाइत का प्रचारक था। वो ईसाइत फैलाने के जुनून में मुब्तला था और सबसे ज़्यादा उसको ये था कि बैतुल मुक़द्दस का गम खा रहा था कि बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के कब्ज़े से कैसे आज़ाद कराए। इस सिलसिले में उसने यूरोप में मुख्तलिफ बादशाहतों से राबता किया, मसलन बरतानिया, फ्रांस, मगर उन्होंने मजबूरी ज़ाहिर की कि हमारी ख़ुद इक्तसादी हालत ऐसी नहीं है कि हम बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से आज़ाद करा सकें, जिस पर उस ज़माने में ममलुकों का कब्ज़ा था। ये 15वीं सदी की बात है। कोलंबस 1451 में पैदा हुआ और 1506 1506 में इंतकाल कर गया। कोलंबस फिरता फिराता इसी अपने मज़हबी जुनून में उसकी समझ में ये आया कि वो इंडिया या इंडो चाइना की तरफ जाए जहाँ पे पैसा है, क्योंकि इस्तांबुल पे कब्ज़े की वजह से ज़मीनी रास्ता मसदूद हो गया था। वो ज़मीनी रास्ते से चाइना नहीं जा सकता था, तो उसने सोचा कि वो मगरबी रास्ते से घूम कर जाए और इंडिया या इंडो चाइना, इंडोनेशिया वगैरह दरियाफ़्त कर सके, जहाँ से रेशमी कपड़े जात, मसाला जात वगैरह हासिल करके लाए। उसने बादशाहों कहा कि मुझे जहाज़ दे दें, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं मैं शिप लेके जाता हूँ। और सुना है कि इंडो चाइना में तो पैसा सड़कों में पड़ा होता है, अशरफियाँ, सोना, चांदी कोई उठाने वाला नहीं है, मैं ले आऊँ। और फिर इंडिया में तो ख़ान रहता है जो क्रिश्चियंस का बड़ा सपोर्टर है, ख़ान, जो ख़ान से मुराद ये थे चंगेज़ ख़ान और हलाकू की औलाद, तो वो मौजूद हैं, वो मदद करेंगे मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। तो इधर से हम यूरोपियन जाएंगे, उधर से ख़ान बैठा होगा, हम मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे और मुसलमान जो है दुनिया से नापैद हो जाएंगे, और इस तरह हमारे पास बैतुल मुक़द्दस भी आ जाएगा। ये बात लेकर फिर वो स्पेन पहुंचा। स्पेन में उस वक्त जो बाद में क्वीन इज़ाबेला के हुई, इज़ाबेला कहलाई, और उसका शौहर किंग फर्डिनांड था, वो उस वक्त गरनाता को फतह करने में लगे हुए थे। चूँकि अलहमरा के खूबसूरत महलात थे और ये आखिरी हुकूमत थी मुसलमानों की, बाकी ये फतह कर चुके थे, तो चूँकि अलहमरा की बिल्डिंग इतनी खूबसूरत थी गरनाता की कि मलका ने कहा हम इसे तोपों से उड़ाना नहीं चाहते, इसलिए हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। इसी वक्त ये यहाँ पहुँचा कोलंबस, मलका से किसी तरह रसाई हासिल की। मलका ने कहा कि मैं इस वक्त बात नहीं चल सकती, क्योंकि हमारी बातचीत उस वक्त अबू अब्दुल्ला जो वाली था गरनाता का, उससे बातचीत हो रही कि वो शहर की चाबी हमें देकर खुद निकल जाए, ताकि जंगो जदल के बग़ैर गरनाता फतह हो जाए। तो कोलंबस को इस सिलसिले में 2 महीने तक इंतज़ार करना पड़ा, और फिर जिस दिन 1492 में गरनाता स्पेन में मुसलमानों की आखिरी हुकूमत ख़त्म हुई, तो क्वीन इज़ाबेला और किंग फर्डिनांड के साथ जहां दूसरे लोग थे उनमें कोलंबस भी शामिल था, जिन्होंने अबू अब्दुल्ला से चाबी वसूल की।
उसने उनसे कहा कि आप मुझे, जब फतह हो गया तो मलका ने कुछ दिनों के बाद उससे मुलाकात की या उससे पूछा, तो इससे पहले मलका ने एक कमेटी बना दी कि इस पे गौर करे कि इसकी क्या बात है। ये कहता है कि अगर हम इंडिया का रास्ता दरियाफ़ कर लें मगरबी तरफ से जाके, जहां आज तक किसी ने कोशिश नहीं की, अटलांटिक समुंदर में बजाय मशरक़ के जाने की तरफ ये मगरब की तरफ से जाना चाहता है, तो कमेटी ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, ये कैसे जाएगा, क्योंकि अटलांटिक ओशन ख़ुद बहुत बड़ा मुहिब है, इसकी लहरें बहुत ऊंची हैं और इनमें छोटे मोटे जहाज़ नहीं चल सकते। कोलंबस से पहले तेरहवीं सदी में एक वेनिस का जहाज़रान मार्को पोलो भी चाइना गया था, लेकिन वो बदरिया रोड गया था, क्योंकि उस ज़माने में शिप्स वगैरह जहाज़ जो थे पानी के वो इतने मज़बूत नहीं होते थे, सफ़र नहीं कर सकते थे। तो उसने किताब लिखी थी मार्को पोलो ने, ये इस वक्त हर वक्त कोलंबस के पास होती थी ज़ेरे मुताला। तो इसने कहा कि अगर आप शिप दे देंगे तो मैं जाऊंगा। कमेटी ने गौर गौस के बाद आखिरकार मलका इज़ाबेला के रिकमेंडेशन दे दी, एक एग्रीमेंट तय हुआ जिसके ज़रिए इसको नए इलाकों जो ये दरियाफ़ करता, जो इससे पहले दरियाफ़ ना हुए थे, उसको गवर्नर बनाया गया। और अज़ाबाद ये भी तय किया गया कि इससे नए इलाकों से जो तजारती आमदनी होगी उसमें 10% इसको और इसकी औलाद को मिलेगा, और यह हमेशा हमेशा के लिए होगा। इस माहदे के साथ तीन जहाज़ लेकर, एक बड़ा और दो छोटे जहाज़ लेकर पानी के ये चल पड़ा। हफ्तों के सफ़र के बाद अब ये मगरबी तरफ चले, इससे पहले यूरोप हमेशा इंडिया जाने के लिए ईस्ट की तरफ सफ़र करता है, अब ये वेस्ट की तरफ सफ़र कर रहे हैं ताकि मुसलमानों से मतभेद भी ना हो और नया समुद्री रास्ता निकल आए। हालांकि इनसे पहले पुर्तगाल के ही वास्को डी गामा वगैरह वहाँ पहुँच गए थे इंडिया, ये अब दूसरे रास्ते से पानी के समुंदर से जाना चाहता, वो भी पानी के समुंदर से गए थे। ये चलते गए, सबसे पहले इनको बहामा का जजीरा मिला, जहाँ पे रिसेंट हिस्ट्री में ईरानी बादशाह रज़ा शाह पहलवी ने ईरान से फरार होने के बाद पनाह भी ली थी, लेकिन फिर अमेरिका प्रेशर में आ गया, वहाँ से निकल के फिर उसको मिस्र जाना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था। तो कोलंबस ने कुल चार ऐसे सफ़र किए, 1492 से लेकर 1504 तक, वो चार उसने शिप किए, और चार में उसने बहामा दरियाफ़ किया, फिर क्यूबा, हिस्पानोलिया, हैटी, ट्रिनिदाद दरियाफ़ किए। लेकिन इसके ऊपर हिस्पानोलिया जज़ीरे में कत्ल आम और ज़ुल्म, और उनके वहाँ के मुकामी बाशिंदों को नस्ल ख़त्म कर देने के जुर्म में फिर इसको गिरफ़्तार भी कर लिया गया, अरेस्ट भी कर लिया गया, जंजीरों में बांध दिया गया और वहाँ पे लाया गया। स्पेन पहले सफ़र में कई हफ़्तों के बाद उन्होंने देखा कि परिंदे उड़ रहे हैं,
बहुत बड़ी तादाद में, वो समझे कि ये इंडिया के कोई इलाका होगा। वहाँ पहुँचे, जैसा कि मैंने आपसे बताया बहामास था, वो बहामास को देख के ही समझे कि ये इंडियन है। तो मार्को पोलो ने एक ख़त रवाना किया कि मलका के पास कि हमने इंडिया दरियाफ्त कर लिया है, इंडियंस को दरियाफ्त कर लिया है, जो बाद में रेड इंडियन कहलाए, और ये लोग बड़े अच्छे हैं, इनको तो जंग और जदल का पता भी नहीं, तो नंगे रहते हैं, नंग धुड़ंग, और ये बड़ी आसानी से ईसाई भी हो जाएंगे। तो सोना जो है, यहाँ सोने के काने हैं, और उन सोने के कानों से सोना निकालना पड़ेगा। हालांकि उसको अभी तक कोई ऑन रिकॉर्ड है ऐसी चीज़ें न मिली थी, लेकिन उसने झूठी रिपोर्ट मलका आज़ा बिलो के भेजी। बहामाज में छोटे जहाज़ के कप्तान ने बता दिया था कि उसने ज़मीन देखी है, वर्षे पे चढ़ा हुआ था, उसने कहा कि मैंने ज़मीन देखी है। ये लेकिन चूँकि इसमें यह था कि ताहयात जो पहली दफ़ा ज़मीन देखेगा, नई ज़मीन, उसको ताहयात पेंशन मिलेगी। कोलंबस ने कहा मैं इससे चंद घंटे पहले ही रोशनी देख चुका था, लिहाजा फिर कोलंबस को ही मिला। कोलंबस ने जब वो गिरफ़्तार होकर वापस आ गया स्पेन में, इसके बाद उसने मुकदमा लड़ा, उसको फिर इजाज़त मिल गई, और आखिरी सफ़र में उसने ट्रिनिदाद दरियाफ्त किया। कोलंबस ने दो किताबें भी लिखी, बुक ऑफ प्रिविलेज, जिसमें उसने लिखा था कि जो स्पेन के बादशाहों से जो उसके दरमियान मुआहदा हुआ है, उसके तहत उसको कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितना प्रॉफिट मिलेगा, उसकी औलाद को मिलेगा, औलाद दर औलाद को मिलेगा। और इसी तरह बुक ऑफ प्रोफेसीज लिखी थी कि इस बाइबल में जो जो हैं मेरे सफ़र, उसके फलानी आयत, फलाना वाक़या, फलानी चीज़ें, ये बाइबल में ऑलरेडी मेरे सफ़र की पेशगोई की गई है। 55 साल की उम्र में इसका इंतकाल हुआ, घटिया हो गया था, और आर्थराइटिस की वजह से चल फिर नहीं पाता था, कई महीने साहब फराश रहा। और जब इंतकाल हो गया तो इसका पहले इसको दफन किया गया एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, मुस्तकिल दो तीन सौ साल तक इसको इधर से उधर ले आते रहे खुश अकीदा ईसाई। क्योंकि कोलंबस ने नई दुनिया जो दरियाफ़ की थी, वो हकीकत में यूरोपियन कौम की नई ज़मीनों की तरफ लूट मार थी, जो उन्होंने वहाँ की पुरानी तहज़ीबों को, एक्टेज, इनकाज वगैरह को तबाह बर्बाद किया, कि वो बेचारे लड़ना भिड़ना इतना ना जानते थे। उनको पुर्तगीज़ ने भी और बाकी यूरोपियन नेशन ने तबाह आजमाई की कि इनको तबाह किया जाएगा। लेकिन सिर्फ मुख्तलिफ वहाँ कंपनियाँ बनाई गई, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह के, जाके नॉर्थ अमेरिका को फतह करें, साउथ अमेरिका को फतह करें, सेंट्रल अमेरिका को फतह करें, सिर्फ एक कंपनी को इजाज़त नहीं दी गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उसके जुल्म की दास्तान इतनी बरतानिया में फैली हुई थी, तो कि इसको मना कर दिया गया कि अमेरिका के में ये नहीं तजारत करेगी, बल्कि वहाँ के लिए ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कंपनी बनाई गई, वो अलग है। तो 1406 में कोलंबस का इंतकाल हुआ, लेकिन कोलंबस को ये इस तरह नहीं देखते हैं, बल्कि उसको नई तहजीब का, नई सिविलाइजेशन का, या नए एरा का बानी समझते हैं। मगरबी दुनिया वो समझती है कि उसने
ईसाइत के लिए एक नया बाब खोला। हालांकि कोलंबस ने खुद उसके ज़माने में कोलंबस पे स्लेवरी वगैरह का इल्ज़ाम लगा था। और स्लेवरी के अलावा, कश्त खून के अलावा, लाखों लोगों को मुख्तलिफ हेले बहाने से हलाक करने के अलावा कोलंबस के मिशन में बहुत भयानक तरीके से वेस्टर्न अकवाम का अमेरिका पे कब्ज़ा था। वीडियो कैसी रही कोलंबस पे, क्रिस्टोफर कोलंबस पे? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।